हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 2। अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है TRUE। क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है TRUE। क्या दे रखा है अपन को? एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। हाँ, ये क्वेश्चन सेम है आपको। इसमें देखो, ये सब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लें आप। सेम ऐसा क्वेश्चन, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये वाला सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या, ड्रॉ स्क्वायर। हाँ, सम स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस है वो क्या है? इसमें जो स्पेशल केसेस में आज मैं आपको क्या बोलते हैं, एक ड्रॉ है, एक रूम स्क्वायर स्क्वायर मतलब बना हुआ आप, जिसे आपको क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। अपनों क्या बनाना है? ड्रॉ एक स्क्वायर बनाना है। एग्जाम्पल नंबर ये देख लो, क्या बोल रहा है इसका। कितना नंबर एग्जाम्पल है? 5 नंबर। सबसे पहले क्या करना है अपन को, गिवन क्या दे रखा है, साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की, साइड कितनी दे रखी है 4.5। स्क्वायर की साइड है वो कितनी दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। कितनी साइड दे रखी है? 4.5 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखी है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है स्क्वायर में क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट देखो आपको क्या करना है, ये देखो आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट। एक स्क्वायर क्या करना है, एक स्क्वायर मान लो आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर ए बी सी डी। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, स्क्वायर ए बी सी डी साइड बीसी साइड विद 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक इस प्रकार का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड कितनी है। इस प्रकार आपको स्केच डायग्राम बनाना है। जब आप इसका स्केच डायग्राम बना लेते हैं, ये लो आपने क्या किया, एक स्केच डायग्राम बनाया इसका, ये क्या किया आपने, एक स्केच डायग्राम इसका बना लिया। एक स्क्वायर है, इसका एक स्केच डायग्राम ऐसा होता है स्क्वायर, जनरली आपने देखा होगा, एक पी, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, और ये पॉइंट क्या एस है, पी क्यू आर एस, ये कुछ स्क्वायर है जिसमें ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसकी साइड तो आपको पता है कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी साइड कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी साइड कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो एंगल बनेगा, ये जो 4.5, ये 4.5, आपको स्क्वायर का पता होगा कि स्क्वायर का ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, 90 90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का होता है, 90 90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का होता है, 90 90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का होता है, 90 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये बना लिया, तो अपन सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। अच्छा, ए बी सी डी नाम दे देते हैं अपने इसको, क्योंकि अपने ऊपर ए बी सी डी लिखा है, ये ए बी सी डी। ये आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, कितना है ए बी 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 4. ये आपने, ये आपको क्या करना, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए लो ए बी, इसको क्या नाम दिया आपने, ए बी नाम दिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, यानी आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एट पॉइंट ए, ड्रॉ एंगल 90 डिग्री पॉइंट पॉइंट ए टी, ए पॉइंट पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। कहां पे एंगल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट ए पे अगर आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो कैसे 90 डिग्री, ए और बी पे मान लो 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इस प्रकार एक आर्क ड्रॉ करेंगे,
आप अपनी जो कंपास है उसको ओपन कर लें अपनी मर्जी से, जैसे आप चाहें वैसे आप ओपन कर लें, नो प्रॉब्लम। और इसको फिर एक आरक आप यहाँ ड्रॉ करें, इसको आप यहाँ पे रखते हुए जितना कंपास आपका ओपन यहाँ था इतना यहाँ पे एक आरक यहाँ ड्रॉ करें, ये दो एक आरक आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें। एक आरक आपने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ कर दें, एक आरक आपने क्या किया यहाँ ड्रॉ कर दें, दूसरा आरक आप यहाँ ड्रॉ कर दें। ये जो एंगल बनेगा एक मिनट, ये वाला जो एंगल थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो बनेगा 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल थोड़ा सा इस साइड में बनेगा, ये एंगल बनेगा 120 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा? 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। और 60 डिग्री के आर्क पे रखे और 120 डिग्री के 20 आर्क के कंपास के पॉइंट पर रखे, एक आर्क अपन इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, ठीक, एक आर्क अपन इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। और जब अपन इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं, जब अपन इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, और अब अपन क्या करेंगे, जहां पे ये मिलते हैं अपन को जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसका नाम, अपन क्या करेंगे इसी प्रकार एक आरक अपन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसा आरक बनाएंगे, एक आरक अपन इस पर इसको थोड़ा सा बढ़ा ले आप इस प्रकार, यहाँ पे आपको पता है कितना डिग्री एंगल बनेगा 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिग्री 120, तो इन दोनों के एकदम बिटवीन कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री बनेगा, 120 डिग्री एंगल बनेगा इस जगह, इस पॉइंट पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, इस पॉइंट पे 120 आर्क और ई आर्क, ठीक है, ये एंगल बनेगा। और अब क्या करेंगे, ये इसकी लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है, और इसकी भी लेंथ अपनी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, लिखना कुछ नहीं, बस इतना सा लिखना है, ठीक है ना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखने का। अब आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है, मेजर कितना करना है, इस पॉइंट को रखना है, इसकी लेंथ आपको कितनी लेनी है, ए बी की जितनी लेंथ लेनी है, ठीक है। तो आप इस ए बी की जितनी, इस कंपास को पूरा ओपन करके पॉइंटर को यहाँ पे रखे, आरक काट लें, एक आरक यहाँ पे काट दिया, मान लो एक आरक आपने यहाँ काटा और दूसरा आरक भी आपने यहाँ काट दिया, और जब आप इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये अपना क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, इट इज ए। स्टूडेंट आपको आना चाहिए किस प्रकार होता है, लैंग्वेज लिखने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लिख देता है हर एक कोई, लिखना आना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। अब आप एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज नंबर 4.5 देखें, एक्सरसाइज नंबर 4.5 देखो, इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया है, क्वेश्चन देखो आप इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आपको स्क्वायर वैसे ही आप देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या बोल रहे हैं, ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, एक रोम्बस आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, एक इस प्रकार से आपको क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, ए रोम्बस क्या दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है, ड्रॉ द फॉलोइंग, ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, सॉल्यूशन किस प्रकार करना है, क्वेश्चन नंबर टू है, इसका आंसर अपन किस प्रकार देंगे, ए रोम्बस पूज डायगोनल्स आर, हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं इस प्रकार अपन को एक कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है ये लिख लेते हैं, अपन को क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है ये देख लो, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस ए बी सी डी, ए ए रोम्बस ए बी सी डी, ये आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस ए बी सी डी, वो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आप किस प्रकार करेंगे, एक रोम्बस जो ए बी सी डी है वो किस प्रकार आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मैं इस प्रकार इसका स्केच डायग्राम बना लेता हूँ, पहले रोम्बस आपने देखा होगा, रोम्बस की जो शेप होती है वो कैसा होता है, कल बनाया था अपने रोम्बस, इस फॉर्म में होता है रोम्बस, इस फॉर्म में होता है रोम्बस, ऐसा कुछ होता है रोम्बस, हाँ। ये पॉइंट क्या दे रखा है आपको, ये वाला पॉइंट,
मैं यहां से ले लेता हूं ए, क्या क्या नाम दे रखा आपको, ए बी बी सी और डी, इसका स्केच डायग्राम बना देता हूं। और इसके डायगनल्स है वो क्या दे रखे हैं, इसके जो डायगनल्स है वो क्या दे रखे हैं, ये वाला ए सी आपको क्या दे रखा है, इसके डायगनल्स ए रोम्बस व्हिच डायगनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी अपन को क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है। और बी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, ए सी डायगनल की लेंथ ए सी की कितनी दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ कितनी दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, ये आपको रोम्बस के डायगनल्स दे रखे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। अब आपको अब कंस्ट्रक्ट, अब मैं जो लैंग्वेज देखा वो लिखे इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, ड्रो ए सी, सबसे क्या करना है, ड्रो जो दे रखा वही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रो ए सी, ड्रो ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड ड्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एंड ड्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसी, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या दे रखा है, एक लाइन से इस प्रकार एक आपको एक लाइन सेगमेंट लेना, ये आपने क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया, इसका नाम आपने क्या दिया, इस पॉइंट को नाम दिया ए, इसका नाम दिया सी, क्या नाम दिया इसको ए और इसको नाम दिया सी, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर दे, कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर दे रखा, कितना 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर ये आपकी इसकी लेंथ दे रखी है। अब आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, कंपास को क्या करना है, ओपन करना है यहां से, कंपास को आपको क्या करना है यहां से ओपन करना है, यहां से ओपन करते हुए एक आर आपको हाफ कंपास को क्या करना है, कंपास को एकदम हाफ क्या करना है, ओपन करना है यहाँ पे, मतलब पूरा ये हो गया। अब कंपास को इतना ओपन करना है कि 5.2 का हाफ कितना होगा, 2.6 तक आपको ओपन करना है, मान लो यहाँ पे कंपास को इतना ओपन करना है, ठीक है, जितना इतना रहे उतना इधर, और फिर आपको क्या करना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको क्या करना है यहाँ ड्रॉ करना है, इसी प्रकार एक आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है और इसी पॉइंट पे रखते एक आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा, समझे होंगे। एक मिनट में इसको लाइन से बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे की जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें देखो क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये करना है, ड्रो आर्क ये हो गया, ड्रो एसी 5.2 सेंटीमीटर, ड्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी, ठीक है, ये हो गया। अब सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट ओ, ये सिंस थर्ड सिंस सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट ओ, एट मिड पॉइंट ओ डायगोनल्स बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट ओ, देयरफॉर देयरफॉर therefore get half of 6.4 सेंटीमीटर का कितना होगा, 6.4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज, इसका हाफ कितना होगा 3.2 सेंटीमीटर, कितना होगा 3. अब आपको पता है ये क्या है, आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं, इसका अर्थ आपको पता है,
आप इस बात का पता होगा, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखते हुए कंपास को ओपन करते हुए एक आरक आपको यहाँ ड्रॉ करना है, एक आरक आपको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें कैसी, इसमें अगर इसको कंपास को अगर यहाँ पे रखते हैं आप, एक कंपास को अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ आपको पता है, इसकी तो कितनी कितनी लेंथ होगी, इन दोनों की लेंथ तो कितनी कितनी होगी, draw two arcs on both side of AC, लिखो आगे की लैंग्वेज लिखनी होगी, उसमें देखेंगे फिर क्या होगा। draw two arcs draw two arcs on both side of radius radius 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ विच इंटरसेक्ट एट बी एंड डी। हाँ अब देखो, अब आपको पता है जो रोम्बस होते हैं, रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको इसकी पता है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस ये पॉइंट आपने क्या लिया, ये जो एक पॉइंट बी लिया और दूसरा पॉइंट क्या लिया आपने, इस जगह एक पॉइंट क्या लिया, डी लिया, इस जगह एक पॉइंट क्या लिया, डी ले लिया, ठीक है। इन दोनों की लेंथ है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ पॉइंट डी, इस जगह है, ठीक है। इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 6.4 सेंटीमीटर दे रहे हैं। हाफ आप कितनी हो जाएगी, 3.6.4 है, कितनी है 6.4 है, तो आप कितनी हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप क्या करना है, कंपास को ओ पे रखते हो, इस पॉइंट ओ पे रखते हो, एक आर्क इस प्रकार ड्रॉ करना है और दूसरा आर्क आपको इस प्रकार यहाँ से ड्रॉ करना है। और आप अब इन पॉइंट्स को क्या करें, अब इन पॉइंट्स को ये पॉइंट इसका नाम दे दिया आपने बी, इसका इस पॉइंट का नाम आपने बी दे दिया, इसको ना इसका बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम आपने क्या दे दिया, डी दे दिया, और इन सबको आप क्या करते हैं, इन सबको आप क्या करते हैं, मिला दें, एक इस पॉइंट को इससे मिला दें, इसको तब आप इससे मिला देंगे, और इस पॉइंट को जब आप इससे मिला देंगे, और इस पॉइंट को जब आप इससे मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अपना एक रोमबस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक रोमबस बन जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे लिख देना जॉइन ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, तो इट इज ए बी सी डी इज ए रोमबस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक अपन को रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इसकी एडजेसेंट साइड्स कितनी दे रखी है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ए रेक्टेंगल गिवन क्या कर रखा है अपन को, गिवन देखो क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है एम एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एम एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एम एन कितना दे रखा है 5, एम पी कितना दे रखा है, एंड एम पी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर,
कितना दे रखा है एमपी, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट क्या करना है अपन को, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट क्या करना है अपन को, कंस्ट्रक्ट देखो कंस्ट्रक्ट अपन को क्या करना है, ड्रॉ ए सेगमेंट एम एन टू रेक्टेंगल एम एन ओ पी टू रेक्टेंगल एम एन ओ पी। क्या करना है, रेक्टेंगल एम एन ओ पी अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें देखो क्या दे रखा है, ड्रॉ ए सेगमेंट एम एन 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ एन सेगमेंट, ड्रॉ एन सेगमेंट, ड्रॉ इन सेगमेंट, ड्रॉ इन सेगमेंट एम एन, एम एन कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी एम एन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एक पॉइंट एम एंड एन, एक आपको सेगमेंट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है इस प्रकार, इस प्रकार आपको एम एन की जो लेंथ है वो कितनी, इस प्रकार एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसमें एम एन ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, इसकी लेंथ वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है एम एन की जो लेंथ वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या करना है, आगे की जो 8 पॉइंट एम एंड एन, 8 पॉइंट एम एंड एन, एम एंड एन, 8 पॉइंट एम एंड एन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस देम 4 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस देम एंड प्रोड्यूस देम। प्रोड्यूस देम ठीक है, ये देखो आपको क्या करना है, एम और एन को सेंटर मानते हुए टू आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा, इस जगह 120, और इसके बीच में जहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एक मिनट थोड़ा सा, इस यहाँ पे इसके बीच में जो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, इस साइड में यहाँ पे इसके बीच में भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और जब मैं इनको आपस में मिला देता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब मिला दूंगा, इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट से जब मिला दूंगा, तो ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है इस प्रकार, स्केल के ऊपर, ये स्केल है, स्केल के ऊपर रखना है, कितना फोर्स, इस पॉइंट के पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और 4 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करना है और पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और एक 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। जो आर्क आपने यहाँ ड्रॉ किया वही आर्क आपको क्या करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस एंगल को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस एम एन ओ पी, इसको ओ नाम दे दें, एम एन ओ पी, इसको नाम ओ दे दें, इसको पी दे दें, इसकी लेंथ आपने कितना 4 सेंटीमीटर ले ली, इसकी भी लेंथ आपने कितनी ले ली 4 सेंटीमीटर ले ली, कितनी कितनी लेंथ ले ली 4 सेंटीमीटर, और इन पॉइंट को आपस में मिला दें, ठीक है। इसकी लेंथ आपको पता है कितनी होगी, इस वाले की जो लेंथ है वो तो आपको पता है कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री भी ये होगा, तो ये अपना क्या हो गया एम एन ओ पी, ये क्या हो गया अपना एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इट्स एम एन ओ पी, ओ पी इज एन ए रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल, ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।